नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर हलचल देख रहे हैं। आज के हलचल में आपको बताएंगे कि परसा पावर सब स्टेशन पर उपभोक्ताओं का हंगामा हुआ। मिर्जापुर फीडर में बिजली की सप्लाई को दुरुस्त करने को लेकर मिर्जापुर फीडर के दर्जनों उपभोक्ताओं ने रविवार को पावर सब स्टेशन पर पहुंच हंगामा किया और पहुंचने के साथ ही सप्लाई होने वाले सभी फीडरों की बिजली सेवाएं ठप कर दी। पावर सब स्टेशन पहुंचे उपभोक्ता काफी आक्रोशित थे। उनका आरोप था कि करीब 8 से 9 घंटे से मिर्जापुर फीडर में बिजली नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने वहां कार्यरत स्विच ऑपरेटर मंजीत कुमार को पावर हाउस से बाहर निकाला और तालाबंदी कर दी। आक्रोश में उपभोक्ताओं ने ऑपरेटर मंजीत कुमार के हाथ को गमछा से बांधने के बाद तुरंत खोल दिया। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने जेई और एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी करने को लेकर नारेबाजी करते रहे। पावर हाउस में हंगामा के साथ ही ऑपरेटर मंजीत कुमार ने घटना की जानकारी जेईई संतोष कुमार को दी। जेईई ने इसके जानकारी सोनपुर एसडीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह और परसा थानाध्यक्ष अमरिंद कुमार को दी। सूचना मिलने के साथ ही थानाध्यक्ष अमरिंद कुमार पुलिस बल के साथ पावर सब स्टेशन पहुंचे और उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। इस बीच पहुंचे जेईई संतोष कुमार से भी उन्होंने बिजली कटौती की टेक्निकल जानकारी ली और उपभोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिजली सेवा दुरुस्त करते हुए और पावर सब स्टेशन को प्राप्त होने वाली बिजली को सभी फीडरों में उपलब्ध कराने का परामर्श दिया और करीब 2.5 घंटे बाद बिजली आपूर्ति शुरू कराई गई। स्विच ऑपरेटर मंजीत कुमार ने क्या कहा, देखिए। मेरा नाम मंजीत कुमार सिंह है, मैं परसा पावर हाउस में एसबीओ हैं। यहाँ 5 गो फीडर निकलता है यहाँ से और गाँव गाँव बाई गाँव डिवाइड हुआ है। कितने गाँव हैं लगभग यहाँ? लगभग गाँव तो ढेर गांव है, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ 5 गो फीडर यहाँ से चलता है। जो कि एक फीडर चलता है परसा मार्केट चलता है, दूसरा का फीडर सगुनी चलता है, तीसरा का फीडर मिर्जा अंजनी चलता है, और एक फीडर मिर्जापुर चलता है और एक परसाना चलता है। किस कारण से यहाँ पे तालाबंदी किया गया? तालाबंदी किया गया कि जो यहाँ लोड सेटिंग का अभी माहौल चल रहा है। अच्छा, लोड सेटिंग के माहौल में पावर लोड सेटिंग आज 4-5 दिन से लोड सेटिंग चल रहा है पीक आवर में। उसी दौरान पूरा ग्रामीण द्वारा मैंने यहाँ मतलब समय से बिजली मुहैया नहीं करा पा रहे हैं आप लोग, इसलिए इसलिए कि हमको ग्रिड पावर दे नहीं रहा है। अच्छा, और पावर ग्रिड हमको पीक आवर 8 बजे 9 बजे रात में काट लेगा। अच्छा, 1 घंटा के लिए, फिर मिलेगा फिर 1 घंटा। तो ये गलती, आप मंजीत नाम बताए ना अपना? जी जी, मंजीत जी बताइए कि गलती किसकी है, सरकार की गलती है कि आपकी गलती है कि पावर स्टेशन की गलती है? देखिए ना, ये तो गलती हम तो मैंने ये गलती वहाँ की है ग्रिड की। अच्छा, ग्रिड जब हमको पावर देगा लोड देगा तो हम अपना चला हम तो चले भी करेंगे। आपका काम यही है, आप इसलिए बैठे हुए? बस बस, यहाँ हम ऑपरेटर हैं, ऑपरेटिंग करते हैं कि बस ये क्षेत्र में हमको पावर देना है, अपना कंट्रोल रूम में रहना है और देखते रहना है। किसके किसके संज्ञान में ये कल हुआ, जैसे तालाबंदी लोगों ने किया तो चलिए वो अपना रोष प्रकट किए, किसके किसके संज्ञान में? जेई साहब या फिर मेरे जेई साहब और एसडीओ साहब स्कूटी साहब और थाना के बाड़ा बाबू, ये सब लोग थाना के बाड़ा बाबू आए थे कल। आपके साथ बदसलूकी भी लुक किया क्या? ना, मेरे साथ बदसलूकी लोग 9:25 पर लोग घुसा, घुसते घुसते आया कंट्रोल रूम में। हम थे पावर मिल, हम जा रहे थे पावर चालू करने, तब तक सब आदमी जुट कर बोला कि बंद करिए बंद करिए बंद करिए, पूरा लाइन बंद कर दीजिए। हम ग्रामीणों द्वारा हम अकेले थे तो हमने रुक गए। रुकने के बाद हम बोले कि बताइए बात क्या है, तो पहले आप पूरा पावर बंद कर दीजिए। हम पूरा पावर बंद कर दे, उसके बाद हम अपना अधिकारी को फ़ोन लगाएं, जय साहब को बोले कि ऐसा ऐसा बात है, मिर्जापुर गांव से बनौता गांव से लमसम 50-100 से आदमी बेसिए था, मैंने हम गिन नहीं पाए। उसके बाद वो लोग बंद करा दिया। बंद कराने के बाद बोला कि ऑपरेटर तुम बाहर निकलो। हम बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद वो लोग मेन गेट में, कंट्रोल रूम का मेन गेट में ताला मार दिया। उसके बाद वहाँ से हमको बाहर निकालते निकालते मेन गेट, जहाँ मेन गेट हम लोग खत्म होता है, वहाँ वो लोग ताला मार दिया। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हमको बोला कि बाहर आप आ जाइए। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि सप्लाई पावर को ठप कराने वाले पर केस दर्ज हो गया है। पावर सब स्टेशन में घुसकर स्विच ऑपरेटर को निकालकर करीब 2 घंटे 55 मिनट बिजली ठप कराने से हुई राजस्व की क्षति को लेकर स्थानीय जेई संतोष कुमार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। केस में जेई ने कहा कि 28 अगस्त की सुबह 9:25 पर करीब 40 की संख्या में उपद्रवी पावर सब स्टेशन में घुस गए और वहां कार्यरत बटन पट चालक मंजीत कुमार को बंधक बनाते हुए उसे बाहर निकाल दिया। अभी जो है पावर हाउस को जो बंद किया गया है, अनुपायद रूप से बंद किया गया है, उसका कारण ये है कि अभी शाम के शाम पावर सेटिंग होता है, वो मेरे यहाँ से नहीं होता है, ऊपर से ही किया जाता है पावर सेटिंग। तो पावर जब मेरे पास नहीं है तो हम देंगे कहाँ से पावर, ये बात आती है।
तो पर भी जनता का मांग है कि नहीं हमको पावर दिया जाए, जब मेरे पास है नहीं तो हम दे नहीं सकते। अच्छा, इस समस्या का कैसे समाधान हो सकता है? समाधान जब हमको पावर मिलेगा तभी हम दे सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं जो बंद किया है लोग तो इस पे? इसमें हम थाना को इन्फॉर्म किए हैं, वेट कर रहे हैं, थाना के जाएंगे, सर के साथ जाएंगे तो क्लियर किया जाएगा, पावर चालू कराया जाएगा, पावर तो बंद किया हुआ है। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, स्थानीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा परसा में पदस्थापित। आज आप लोग यहाँ पावर ग्रिड में मेन गेट में और पूरे पावर ग्रिड का ताला मार दिए हैं, इसमें क्या वजह रही कि आज आप लोग ताला मारे हुए हैं? हम लोग इसलिए ताला मार दिए हैं कि हम लोग जो मिर्जापुर फीडर है ना, उस फीडर में कंटिन्यूस लाइन नहीं रहता है, और बगल में जो फीडर है उस फीडर में कंटिन्यूस लाइन रहता है। जब हम कल 11 बजे रात से जो लाइन कटा है 9 बजे तक लाइन नहीं है। क्या आप लोग जेईई से भी इस संबंध में बात किए हैं? जेईई से बात किए हैं, जेईई फोन रिसीव नहीं करता है, कितना जेईई के पास फोन लगाइएगा लेकिन जेईई रिसीव फोन नहीं रिसीव करता है। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का लाइन कंटिन्यूस चाहिए, 24 घंटा हम लोगों का लाइन चाहिए। वजह है कि काफी दिनों से सर लगातार लाइट कटती जा रही है, और जब एक बार कट जाती है तो काफी देर तक नहीं आती, जैसे 10-10 घंटा तक लाइट नहीं आती है। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि यहाँ पे आके लाइन को सही से किया जाए, और बराबर निरंतर जब समय हो वहाँ पे लाइट रहना चाहिए। जैसे रात को घर पे खाना बनता है, उसके बाद बच्चे को पढ़ना रहता है, उस समय ही लाइट कट जाता है, और काफी रात में आता है 2 या 3 बजे जब जरूरत नहीं होता है, तो उसको सही समय पे काटा जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइन दिया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ, पनौता पंचायत के समिति पावरगिरी परसा पावरगिरी में तालाबंदी किए हैं, और इसमें के जो डिप्टी पर तैनात हैं उनको बाहर निकाल कर, और क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है कि आज एक सप्ताह से लाइन नहीं है। लाइन इसलिए नहीं है कि जब बच्चे का पढ़ने का टाइम होता है उस समय लाइन कट जाता है। जब जेई साहब के यहाँ फोन करने पर उनका मोबाइल कवरेज एरिया से बाहर बताता है, व्यस्त होता है, और जब लाइन समाप्त होता है तो 10-10 घंटा लाइन नहीं रहता है। जैसे रात में 11 बजे लाइन जब कटा, उसके बाद 5 मिनट लाइन आया, फिर उसके बाद बंद हो गया। जब बंद होने के कारण तो 8 बजे भी लाइन नहीं गया। हम लोग जब फोन कर रहे हैं पावर हाउस में, जब कंट्रोल छपरा कंट्रोल रूम में जब फोन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमारा जो काम है हम कर दिए, आपका काम है सो कीजिए। जेई साहब के नजदीक जब फोन लगाते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। मेन बात है कि उनका फोन ही वो कवरेज एरिया से बाहर कर देते हैं, और हम लोग क्या करें? यदि बिल आपका अधिक रहता है तो जाके काट देते हैं, जनता के ऊपर FIR होता है, जो पैसा भरने के बाद में ऐसा स्थिति होता है तो जनता क्या करे? अच्छा, आप लोगों का क्या मांग है? मांग क्या है? मांग है कि हम लोगों को लाइन रहना चाहिए। इसी जगह मकेर में लाइन रहता है 24 घंटा लाइन रहता है, इसी जगह सिक्टी अंजनी में लाइन रहता है, मिर्जापुर फीटर में लाइन क्यों नहीं रहता है? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मदन कुमार मिश्रा हुआ, पूर्व सरपंच है बनौता पंचायत। जो लोग ग्रामीण लोग पावर ग्रिड में परसा पावर ग्रिड में ताला मार दिया है, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि यहाँ लोड सेटिंग, पीक आवर में लोड सेटिंग चलता है, पीक आवर में लोड सेटिंग चलता है, और 1:20 पर ब्रेकडाउन हो गया, और अभी 9 बजे क्लियर हुआ है, 9 बजे क्लियर हुआ है, तो लाइन हम चालू किए हैं, उसके बाद 9:05 में पावर फेल हो गया है, 9:05 में पावर फेल हुआ है, तो फिर आया है 9:25 में पावर आया है, लोड पर था, चल रहा था, तब तक ग्रामीणों द्वारा सब लोग यहाँ आ गया, आके हमको बाहर निकाल दिया, हम यहाँ के SBO हैं, बाहर निकाल दिया लोग, और कंट्रोल रूम और मेन गेट में ताला मार दिया लोग। अब बोल रहा है लोग कि आप जब तक अधिकारी मेरे नहीं आएंगे तब तक हम भीतर आपको नहीं जाने देंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा शुभ नाम मंजीत कुमार सिंह है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल देखते रहे TD News। नमस्कार।